अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारा जो पेपर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसके अंदर हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इस पेपर की कनेक्टिविटी पिछले किस पेपर के साथ बनती है, और सब्सिक्वेंटली इस पेपर की कनेक्टिविटी आपकी अगले किस पेपर के साथ बनती है। सो प्रीवियसली जो लोग ACCA के रूट से आ रहे हैं, तो दे हैव स्टडीड F2, और F2 के बाद PM यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट का कनेक्शन बनता है PM के साथ, क्योंकि F2 में आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, कॉस्टिंग से रिलेटेड, वेरियंसेस से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, तो वो सब यहाँ पर एडवांस लेवल के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। सो बेसिक नॉलेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज मैंडेटरी फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। उसके बाद जब आप ये पेपर पास कर लेंगे, तो आपके पास एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कोर्स होगा, विच इज़ एन ऑप्शनल पेपर, जो आपकी डिस्क्रिशन पर है, चॉइस पर है। अगर आपको अच्छा लगता है, आप ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप ऑप्ट करेंगे, वरना आप कोई और ऑप्शनल पेपर ऑप्ट कर सकते हैं इसके अगेंस्ट। अच्छा, हमारा जो सिलेबस है उस पे आने से पहले हम जरा कुछ पेपर पैटर्न वगैरह के बारे में बात करते हैं। एज यू नो दैट आफ्टर F4 पेपर पैटर्न काफ़ी डिफरेंट होता है ACCA का। तो F5 का जो एग्ज़ाम है, PM या F5 का जो एग्ज़ाम है, इट इज़ बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 3 सेक्शंस, और एग्ज़ाम में आपके पास कंप्यूटेशनल एरिया भी आता है और थ्योरेटिकल एरिया भी आता है, दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, कैलकुलेशन प्लस थ्योरी मिक्स टुगेदर। आपके पास जो पहला सेक्शन आता है, दैट इज सेक्शन ए, जिसमें आपके पास 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन के मार्क्स आपके पास 2 होते हैं, सो इन टोटल आपके पास 30 मार्क्स होते हैं सेक्शन ए के अंदर। और एग्जाम पास करने के लिए इस सेक्शन ए में आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्कोर करना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि सेक्शन ए कहाँ से आएगा, कौन सा सवाल पूछा जाएगा। सेक्शन ए पूरे सिलेबस से पूछा जा सकता है, इंटायर सिलेबस से पूछा जा सकता है, कहीं से भी एग्जामिनर आपको OTQ बनाकर दे सकता है। तो OTQ उसकी आपकी हर टॉपिक की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकता है और कैलकुलेशन बेस्ड OTQs भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेक्शन जो होगा, उसके अंदर 3 केस स्टाइल क्वेश्चन होंगे, यानी कि MTQs होंगे, सिनेरियो बेस्ड OTQs होंगे। एक सवाल आपको दिया जाएगा 10 मार्क ईच, और उस 10 मार्क ईच में आपके पास 5 OTQs होंगे, विच इज वर्थ 2 ईच। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके पास 15 OTQs सेक्शन बी में भी होंगे, बट वो सिनेरियो बेस्ड होंगे। तो 15 OTQs इन सेक्शन ए एंड 15 OTQs इन सेक्शन बी, टोटल आपके पास 30 OTQs होंगे, और सेक्शन ए और बी मिलाकर आपकी टोटल वेटेज बनती है 60 मार्क्स की। उसके बाद लास्ट जो आपका CRQs होते हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशन और थ्योरी के लिए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट एक्सेल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, वो आपके पास जो आता है, इट इज कंप्राइजेज ऑफ 2 क्वेश्चंस 20 मार्क ईच। 20 20 मार्क्स के आपको 2 सवाल दिए जाएंगे। अच्छा, ये जो 20 20 मार्क्स के जो 2 सवाल आएंगे, इसकी लाइकलीहुड जो है वो डिसीजन मेकिंग पे सवाल हो सकता है, बजटिंग एंड कंट्रोल पे सवाल हो सकता है, या फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर सवाल हो सकता है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ PM। तो इन 3 टॉपिक्स में से ज्यादातर चांसेस होते हैं, लेकिन दूसरे सेक्शन से भी कोई पार्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है। अच्छा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या आएगा, ये अननोन है, कुछ भी आ सकता है सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। सेक्शन सी में क्या आएगा, ये डिफाइन किया जा सकता है कि डिसीजन मेकिंग से सवाल होगा, या बजटिंग से सवाल होगा, या परफॉर्मेंस मेजर, यूं समझ लेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट से एक सवाल की लाइकलीहुड बहुत ज्यादा है। ज्यूम कर लेंगे एक सवाल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से
आना ही आना है। अच्छा, आपका जो सिलेबस है वो प्राइमरली 5 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। एफ तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं कि आपको टेक्नोलॉजिकल स्किल्स पता होनी चाहिए, कि सिलेबस नहीं है। तो आपका बेसिकली 5 एरियाज हैं सिलेबस में आपको कवर करने के। तो अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो सक्सेसफुल कंप्लीशन आपका इन 5 एरियाज का अच्छी तरह से होना चाहिए, जिसमें सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीआरक्यू उसके अंदर टारगेटेड सेगमेंट है। आपका जो सेक्शन ए है उसके अंदर डिस्कशन की जाती है इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी, आईटी रिलेटेड इश्यूज, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं मैनेजमेंट में और परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर। सेक्शन बी में हम कुछ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं। बेसिक F2 के अंदर जिस तरह से हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी थी, तो यहाँ पर आपको एडवांस टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अगेंस्ट, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसका एडवांस वर्जन समझ लें। इसी तरीके से आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब ये जो एरिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, तो हो सकता है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे एक 10 मार्क का सेक्शन बी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है टारगेट कॉस्टिंग पे एक 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसी तरह किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक 10 नंबर का सवाल एग्जाम में क्रिएट किया जा सकता है। तो एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी टेक्निक्स हैं वो सिलेबस के अंदर सेक्शन बी में मौजूद है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस को जो भी डिसीजन लेने होते हैं, स्पेशली हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। शॉर्ट टर्म डिसीजन जो हमें लेने होते हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या होती है, मेक और बाय डिसीजंस क्या होते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ये चीजें बेसिक लेवल पे पढ़ाई जा चुकी होती हैं। लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये सारी चीजें सेक्शन सी में कवर की जाती हैं। लाइकलीहुड ये है कि 120 मार्क का क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से आ सकता है, जिसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, इसी तरीके से रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है बजटिंग का। बजटिंग की भी बेसिक नो हाउ F2 के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पर कुछ एडवांस टेक्निक्स में बात होती है बजटिंग की, खास तौर पर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोरिलेशन क्या है उसके बारे में बात की जाती है, ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बात की जाती है। अच्छा, उसके साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एडवांस वर्जन, यानी कि हमने जो बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी थी उस बेसिक को रिटेन किया जाएगा, मटेरियल के वेरिएंसेस, लेबर के वेरिएंसेस, ओवरहेड के वेरिएंसेस, लेकिन कुछ एडिशनल वेरिएंसेस यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, जैसे मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है, दो तरह का मटेरियल अगर हम कंबाइनली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वेरिएंस कैसे निकाला जाएगा, प्लानिंग वेरिएंस, ऑपरेशनल वेरिएंस। तो एडवांस बजटिंग और एडवांस वेरिएंसेस इसके अंदर पूछे जाएंगे। सेक्शन ई में परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिसको हम नॉर्मली रेशियोज की फॉर्म में F2 में पढ़कर आ चुके होते हैं, जिसने F7 का पेपर दिया हुआ होता है वो F7 में भी पढ़ चुका होता है, और नॉन फाइनेंशियल व्यू पॉइंट, यानी कि रेशियोज जो पूछी जाती हैं वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, दोनों परस्पेक्टिव से पूछी जाती है। एंड अलॉन्ग विद डिवीजन की परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे की जाती है, अगर डिविजनल स्ट्रक्चर बना हुआ है तो एक डिवीजन जो है उसकी परफॉर्मेंस को अगर मेजर करना है तो उसके तरीके क्या होते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रेजिडुअल इनकम क्या होती है, इनमें क्या फर्क है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये एरिया यहाँ कवर होता है। और जो भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट के टूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टेक्निक होती है परफॉर्मेंस मेजरमेंट की, एक मॉडल हमारे पास है जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड, ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल को जज करता है कि जी किसी कंपनी को अगर आपको चेक करना है कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नॉन फाइनेंशियल कंबाइंड टुगेदर कैसी है,
तो उसमें रेशोज पूछ ली जाएंगी, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पूछ लिए जाएंगे। ओवरऑल ये आपके 5 एरिया सिलेबस के अंदर मेनली शामिल है इन जर्नल, जिसको यहाँ पर एक डायग्राम के फॉर्म में भी बताया हुआ है किस तरह आपका सिलेबस जो है इन 5 एरियाज के ऊपर बेस करता है। अब अगर हम डिटेल में जाएं तो जो सिलेबस एरिया ए है आपके पास, विच इज नॉट इन डिटेल, उसके अंदर आपका फोकस किया जाता है इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग, तो इंफॉर्मेशन नीड्स को कैसे एंटरटेन करना है, आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है, कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हेल्प करते हैं, वो सिस्टम एंड टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों का पता होना चाहिए और वो किस तरह कंपनी को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में, उसके डिसीजन मेकिंग में किस तरह से हेल्प आउट करते हैं, नॉट दैट मच इन डिटेल। सेक्शन बी, जिससे लाइकलीहुड ये है कि सेक्शन सिलेबस एरिया बी, जिसकी लाइकलीहुड ये है कि सेक्शन बी में इससे सवाल आएगा, 10 मार्क का एक सवाल, तो सब माइंड में रखें कि सेक्शन बी में होता है। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, जिसके पीछे आपके पास एज्यूम नॉलेज होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2 के सिलेबस। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि ओवरहेड से रिलेटेड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक एडवांस टेक्निक है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, और उसके साथ डिफरेंट एडवांस टेक्निक्स यहाँ पर पढ़ाई जाती है। जो भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ना, उसमें कैलकुलेशन भी आएगी, थ्योरी भी आएगी, ऐसा नहीं है लाइक अदर पेपर्स एक टॉपिक सिर्फ थ्योरेटिकली पूछा जाएगा। एक टॉपिक अगर पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल अगर MTQ पूछा जाता है किसी टॉपिक के ऊपर 10 मार्क्स का, तो उसके अंदर 3 कैलकुलेशन के सवाल हो सकते हैं, 2 थ्योरी के सवाल हो सकते हैं, या 3 थ्योरी के सवाल हो सकते हैं और 2 कैलकुलेशन के सवाल हो सकते हैं। तो अगर कम से कम भी थ्योरी और न्यूमेरिकल का वेटेज माइंड में रखा जाए तो हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट फिक्स्ड 50-50। पीएम का जो पेपर है वो FPM से लेकर ऑडिट के पेपर तक, रिजल्ट इसका इतना अच्छा नहीं आता एज कम्पेयर टू F7, F9 वगैरह। इसका रिजल्ट ऑन एवरेज 40% या बिलो 40% के दरमियान रहता है, और उसकी एक मेन वजह है इसके अंदर जो चीज़ें कवर होती हैं उसको थ्योरेटिकली भी बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टडी करना पड़ता है, सिर्फ न्यूमेरिकल करने से पेपर पास नहीं होगा। सिलेबस एरिया सी में हम डिसीजन मेकिंग पर बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने F2 में पढ़ा होगा लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। तो अगर एक सिंगल लिमिटिंग फैक्टर आपके पास मौजूद है तो आप उस सिंगल लिमिटिंग फैक्टर में कैसे डिसीजन लेंगे, अगर एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर होता है तो फिर क्या किया जाता है, इस तरह प्राइसिंग डिसीजन के बारे में बात होगी, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग के बारे में बात होगी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो क्या उसे लो प्राइस चार्ज करनी चाहिए, क्या उसे हाई प्राइस चार्ज करनी चाहिए। इसी तरह अगर एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस की प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या बननी चाहिए, मोनोपोली क्या होती है, ओलिगोपोली क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का टच, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि प्राइसिंग के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है उसको समझने के लिए, कुछ इकोनॉमिक मॉडल भी साथ कनेक्ट होता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसीजन लेना होता है कि वो खुद बनाए या आउटसोर्स कर दें। इसी तरह तरीके से अगर आपके पास कोई ज्वाइंट प्रोडक्ट है तो ज्वाइंट प्रोडक्ट का क्या किया जाए, शट डाउन डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, तो मल्टीपल शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग इसके अंदर हम पढ़ेंगे। रिस्क एंड अनसर्टिनिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल होती है डिसीजन मेकर्स की। एक वो होता है जिसको हम रिस्क सीकर कहते हैं, एक वो होता है जिसको हम रिस्क न्यूट्रल कहते हैं, एक वो होता है जिसको हम रिस्क अवर्सर कहते हैं। ये 3 तरह के डिसीजन मेकर होते हैं। तो ये 3 तरह के जो डिसीजन मेकर हैं ये किसी भी रिस्क एंड अनसर्टिनिटी के अंदर कैसे डिसीजन लेते हैं, पे ऑफ टेबल कैसे बनाया जाता है, उससे कैसे असेसमेंट की जाती है,
प्रोबेबिलिटी बेस्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिस पर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं वो हम डिसीजन मेकिंग के टॉपिक में स्टडी करेंगे, इंक्लूडिंग प्राइसिंग, स्केयर रिसोर्सेज, काफी बड़ा एरिया है। उसके बाद सिलेबस एरिया डी, बजट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट एंड पार्सल है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो और बजटिंग ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बजट्स क्यों बनाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ बजट्स क्या होती हैं, डिफरेंट बजटिंग की टाइप्स पढ़ाई जाती है, जैसे रोलिंग बजट क्या होता है, जीरो बेस बजटिंग क्या होती है, फिर क्वांटिफिकेशन बजटिंग के अंदर कैसे होती है। बजट आपको बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्वांटिफिकेशन के मेथड्स किस तरीके से हमें अप्लाई करने हैं। फिर बजट का बिहेवियरल एस्पेक्ट, ये थ्योरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बजट जो होते हैं वो इंसानों से रिलेटेड बने हुए होते हैं, मैन पावर जो ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो रही होती ज्यादातर, तो बजट से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनका ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अगर आपके बजट बनाए जा रहे हैं तो जो एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे, जो वेरिएंसेस आएंगे, उसका क्या किया जाएगा, उसकी रिपोर्टिंग क्या होगी, इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक के ऊपर बात करते हैं। यहाँ हम वो बात नहीं करते जो F2 में होता है कि जी मटेरियल बजट कैसे बनता है, लेबर बजट कैसे बनता है, वो तो बेसिक चीजें होती हैं। यहाँ पर बजटिंग को थ्योरेटिकली, तो ये सिलेबस एरिया डी में थ्योरी बहुत ज्यादा है, थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा। इसी तरीके से हमारा जो लास्ट एरिया है सिलेबस एरिया ई, इसके अंदर हम बात करते हैं जैसे मैंने बताया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट, लाइक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उससे रिलेटेड हम रेशियोज पे बात करेंगे, कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, कंपनी की वर्किंग कैपिटल पोजीशन कैसी है, इस पे कमेंट्री लिखने को आ सकती है, कंपनी में रिस्क कैसा है। ये तो बात हो गई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से विजिबल होते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं जिसे कहा जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नॉन फाइनेंशियल, जैसे इसकी एक एग्जांपल बन सकती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो डेटा है ना वो आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको क्या करना होता है, कस्टमर फीडबैक लेना होता है। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर गिर रही है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, और अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसी तरीके से आपने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके पास कितने एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, कितने नए कस्टमर आपको ज्वाइन कर रहे हैं, कितने एग्जिस्टिंग कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरीके से आपका लेबर टर्नओवर रेट, अगर लेबर आपको छोड़ के जा रहा है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जी आपका जो इन्वायरमेंट है काम करने का वो अच्छा नहीं है, लेबर जॉब इन्वायरमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, हो सकता है उसको प्रॉपर सैलरीज ना मिल रही हो। इसी तरीके से आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में रिजेक्शन, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसका रिजेक्शन रेट क्या है, आपकी एक वेबसाइट है उस वेबसाइट का डाउन टाइम कितना है, ये सारे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं। पंक्चुअलिटी क्या है आपकी, अगर आपका सर्विस बिजनेस है तो आपका जो स्टाफ है वो कैसे हैंडल करता है, उस स्टाफ की कर्टिसी कैसी है, कर्टियस स्टाफ है या नहीं। इस तरह से हम नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करके अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर दोनों को मिक्स करके कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। जिसे यहाँ पर मेंशन है, अकाउंटेंट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ अ बिजनेस शुड बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, दे शुड अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स इन मैनेजमेंट। एज अ रिजल्ट सिलेबस एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू एनालाइज पास्ट परफॉर्मेंस एंड सजेस्ट वेज फॉर इम्प्रूविंग फाइनेंशियल and non-financial performance, although this skill was assumed previously in PM anyway. तो अब क्या है कि आपको अगर income statement balance sheet दी जाती है past data की, तो उसको analyze करना, non-financial data को analyze करना, और उसके बाद एक conclusion draw करना कि आप जो जा रहे हैं आगे तो आपके पास किस तरीके से हम काम करेंगे इसको।
अब देखिए सिलेबस एरिया एक ई के बारे में एग्जामिनेशन टीम ने क्या बताया है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सेक्शन ई विच इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज पोटेंशियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सिलेबस। जब आप लोगों को ये बता दिया जाए किसी भी सिलेबस में, जैसे F7 में बताया जाता है रेशियो एनालिसिस और कंसोलिडेशन, F9 में बताया जाता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, F6 में बताया जाता है कॉरपोरेशन और इनकम टैक्स, तो अब स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि एज मैनी क्वेश्चन आप एग्जाम पास पेपर के एज मैनी एज क्वेश्चन परफॉर्मेंस मेजरमेंट के आपको अटेम्प्ट करने, ताकि एटलीस्ट आप 20 मार्क्स में से 12, 13, 14 मार्क्स आराम से ले लें। तो इन एरियाज के ऊपर बात की जा रही है। अब थोड़ी सी गाइडेंस एग्जामिनेशन टीम की तरफ से कि अगर आपको ये सिलेबस अफेक्टिवली प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। स्टेप नंबर 1, रीड द सिलेबस एंड स्टडी गाइड। आपको पूरा सिलेबस की कवरेज करके जानी चाहिए। वाई? क्योंकि सेक्शन ए जो है जिसके अंदर हमारे पास 15 OTQs हैं, वो कहाँ से आएगा? इंटायर सिलेबस से आएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट कोई टॉपिक छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो एक दो OTQs तो उसके सर के ऊपर से गुजर जाए, उसको पता भी ना हो कि ये टॉपिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग। अब अगर एग्जामिनर ने ट्रांसफर प्राइसिंग पे सेपरेट सवाल नहीं बनाया तो लाइकलीहुड ये है कि वो दो OTQs बना देगा इसके ऊपर। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा उसके 4 मार्क्स जाया हो जाएंगे। तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीटली रीड करना चाहिए, स्टडी गाइड में डिटेल सिलेबस स्टडी करना चाहिए, जिससे आपको ये पता लगेगा कि क्या स्टाइल हो सकता है एग्जाम का, क्या एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम जो भी पूछा जाता है वो स्टडी गाइड से पूछा जाता है। एग्जाम में कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती। अगर एक स्टूडेंट कहता है कि ये चीज़ मुझे एग्जाम से मुझसे नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब है वो उसने स्टडी नहीं किया या उसको उसके ट्यूटर ने उसको प्रॉपरली उस टॉपिक के ऊपर गाइड नहीं किया। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस था ना F2, उसमें हमारे पास ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होते थे, MCQs होते थे, वहां पर एप्लीकेशन साइड पे बात नहीं की जा सकती। यहाँ पर हमें थ्योरी भी कवर करनी है और उसके बाद उसको अप्लाई भी करना है, किसी भी चीज की इम्प्लीकेशन भी पूछी जा सकती है। जैसे रेशोस की हमने बात की कि अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, इसके अफेक्ट्स क्या होंगे, ये हमें देखने पड़ेंगे। तीसरी चीज, प्रैक्टिस एज मैनी पास पेपर एज पॉसिबल, और वो भी आप CBE स्टाइल के अंदर ना, ACCA के अपने वेबसाइट के ऊपर या आपके जो एग्जाम पोर्टल है MyACCA, उसके ऊपर प्रैक्टिस मटेरियल इनफ मौजूद होता है कि वहां से आप पास्ट पेपर्स वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। PM का स्पेसिमेन एग्जाम, सैंपल पास्ट क्वेश्चंस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, पुराने पास्ट पेपर्स जब एग्जाम मैनुअल हुआ करता था वो पास्ट पेपर्स आपके लिए बड़े रेलेवेंट हैं। और एक चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप PM के लिए CIMA का मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। CIMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक क्वालिफिकेशन है जिसका जो मटेरियल है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, डिफरेंट बॉडीज अपने क्वालिफिकेशन में इस्तेमाल करती हैं। तो CIMA का एक कंसर्न पेपर है P2, सिमिलर पेपर, ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर, उसके पास्ट पेपर्स आपको आपसे डिस्कस किए जाएंगे, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके वो MCQs, अब उसके MCQs आते हैं, पहले उसके पास्ट पेपर्स होते थे मैनुअल, वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स में, और उसके MCQs डिस्कस किए जाएंगे ताकि हर टॉपिक को उसकी इंटायरिटी में या डेप्थ के अंदर जाके कवर किया जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ACCA की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, जिसको स्टूडेंट इतना लिफ्ट नहीं कराते, जिसको लाजमी पढ़ना चाहिए, और वो है टेक्निकल आर्टिकल्स। यू मस्ट स्टडी ऑल टेक्निकल आर्टिकल्स अवेलेबल ऑन ACCA वेबसाइट, रीड ऑल द टेक्निकल आर्टिकल्स दैट आर रेलेवेंट टू PM इन द स्टूडेंट अकाउंटेंट, दे आर अ वेरी यूजफुल स्टडी रिसोर्स। बाज दफा क्या होता है कि किसी टॉपिक के ऊपर एक टेक्निकल आर्टिकल आया, जैसे फॉर एग्जांपल टारगेट कॉस्टिंग,
तो अगर आप वो टेक्निकल आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट जो बुक में मटेरियल लिखा हुआ है वो बहुत इफेक्टिवली उस एक टेक्निकल आर्टिकल से कवर हो जाता है, और आपको वहां पर इजी लैंग्वेज में इस तरीके से बताया जाता है कि वो आर्टिकल आपको थ्योरेटिकली भी बहुत हेल्प करता है, न्यूमेरिकली भी बहुत हेल्प आउट करता है। तो आपको करना क्या है कि आपको तमाम टॉपिक बाय टॉपिक आर्टिकल प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको उसको स्टडी करना है अलॉन्ग विद जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। लास्ट चीज, बिजनेस अवेयरनेस अगर आपके पास है तो आपको थोड़ा एडेड एडवांटेज होगा। अब ये बिजनेस अवेयरनेस इस लेवल के ऊपर स्टूडेंट के पास तो होती नहीं है, और वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कहां से आएगी। तो होता ही है, कुछ टॉपिक्स में ऐसा होता है जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कुछ सवाल में ऐसा होता है कि आपको कॉमन सेंस से भी चीजें पता लग जाती है। मसलन फॉर एग्जाम्पल, आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में आपको डेटा दिया हुआ है, और जो सिनेरियो में कंपनी बताई गई है वो एयरलाइन है या ट्रांसपोर्ट की कोई कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन है, बस है। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक बंदा है, वो एक जिंदगी के अंदर कभी ना कभी एयरलाइन उसने इस्तेमाल की होती है, कभी ना कभी उसने ट्रेन भी इस्तेमाल की होती है, बस भी, वो उसके प्रॉब्लम्स उसको पता होते हैं। रियल लाइफ में परफॉर्मेंस खराब होने से बिजनेस पे क्या अफेक्ट आता है वो उसको कॉमन सेंस से भी जज कर सकता है। तो जितना वो कॉमन बिजनेस पर अप्लाई करेगा अपनी चीजें, सोचेगा कि अगर मुझे एक एयरलाइन की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अगर मुझे एक फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स को या होटल की परफॉर्मेंस को मैनेज करना है तो मैं खुद होटल जाता हूँ, रेस्टोरेंट्स जाता हूँ, वहां पर मुझे क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करके भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। सो ये कुछ बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछे। फिर हम कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जाके कुछ टेक्निकल आर्टिकल्स के बारे में कुछ नो हाउ देखते हैं, कुछ बुक और रिवीजन किट के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों का आइडिया हो जाए कुछ फर्दर। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? तो जैसा मैंने आपको बताया कि टेक्निकल आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपके सामने पीएम के टेक्निकल आर्टिकल्स का पेज खुला हुआ है, सेक्शन ए बी सी डी ई, इनके अकॉर्डिंगली नीचे रेलेवेंट टेक्निकल आर्टिकल दिए गए। जैसे अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है तो बिग डेटा का जो टॉपिक है उस बिग डेटा के ऊपर दो आर्टिकल दिए। अब अगर आप ये बिग डेटा यहाँ से पढ़ लेना तो आपको बुक से बिग डेटा में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से बिग डेटा आपके थ्योरेटिकल मसाइल जो है वो प्रॉब्लम हल कर सकता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आर्टिकल दिया हुआ है। अब आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल लाइक कुछ पेजेस आपको दिए हुए होते हैं, लाइक 2 पेज 3 पेज का, व्हाट इज बिग डेटा, सोर्सेज ऑफ बिग डेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। अब देखें, नॉर्मली जो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बिग डेटा की, एक होता है उसका वॉल्यूम, एक होता है उसकी स्पीड, ये, और एक होती है उसकी वराइटी, या 5 दिए हुए, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में 3 से ज्यादा बोले जाते हैं, तो वो 5 की डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रोवाइड की जा रही है कि किस तरीके से इन जगहों से डेटा फ्लो होता है। तो ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल दिया हुआ है कि अगर कोई इसको अच्छी तरह से पढ़ ले तो इसका मतलब है बिग डेटा के सारे मसाइल उसके एग्जाम में हल हो सकते, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल। इसी तरीके से जब हम सेक्शन बी में जाते हैं, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पूरा टॉपिक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर हमें पढ़ना है तो अगर हम ये आर्टिकल पढ़ लें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बैकग्राउंड जो कि F2 में था उसका एडवांस वर्जन,
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसके लिए आपकी ओवरहेड की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ओवरहेड आपके क्लियर नहीं होंगे, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल आपका क्लियर नहीं होगा, तो फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अल्टीमेटली प्रॉब्लम आएगी। इसी तरीके से टारगेट कॉस्टिंग एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर डिसीजन मेकिंग में आ गए तो रेलेवेंट कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, डिसीजन ट्री। सिमिलरली बजटिंग के अंदर टाइम सीरीज एंड मूविंग एवरेज वन ऑफ द टेक्निकल टॉपिक, रिग्रेशन कोरिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी तरह से लर्निंग कर्व क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस में सवाल आर्टिकल दिया हुआ है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एज आई टोल्ड यू कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल को कंबाइन करते हैं हम थ्रू अ मॉडल विच इज कॉल्ड बैलेंस स्कोर कार्ड। इसके ऊपर बहुत लाइकलीहुड होती है सवाल आने की परफॉर्मेंस मेजरमेंट में। अब यहाँ पर उन्होंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दी थी एप्पल INC। तो इन आर्टिकल्स के अंदर जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दिया होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको कुछ जर्नल नो हाउ भी मिलती है। इसी तरह बिल्डिंग ब्लॉक एक मॉडल है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, वो दिया हुआ है। ट्रांसफर प्राइसिंग वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल टॉपिक, उसके ऊपर एक आर्टिकल दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको कुछ एग्जामिनेशन टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं, वो भी लाजमी पढ़नी चाहिए, जैसे ये रीड द माइंड ऑफ द PM मेकर, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, अप्रोचिंग PM कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन उसको कैसे, टॉप टिप्स फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जाम, ये आर्टिकल भी अकॉर्डिंगली पढ़ने चाहिए। ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ टिप्स दी जा रही हैं। अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन करना काम नहीं है, कैलकुलेशन करके वो आपसे थ्योरी भी तो पूछेगा कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो आपने पहले सिनेरियो देखा, रेलेवेंट कैलकुलेशन की, और उस कैलकुलेशन की बेसिस पर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। इसी तरीके से मैनेजिंग योर टाइम अफेक्टिवली एंड आइडेंटिफाइंग इजी मार्क्स अवेलेबल, सेक्शन ए पहले करना है, बी पहले करना है, सी पहले करना है, कौन से सवाल आसान है, कौन से सवाल मुश्किल है, ये आपको देखना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली एड्रेस करना है, OTQ उसके अंदर भी, CRQ उसके अंदर भी। अब यहाँ पर कुछ पिटफॉल्स बताए जा रहे हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट जो होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस रिपोर्ट के अंदर एग्जामिनर आपको ये गाइड कर रहा होता है कि जो पिछला पेपर हुआ था उस पेपर में स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक्स की। हम क्या करते हैं, उन मिस्टेक्स को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब हमारा एग्जाम होगा तो ऑब्वियसली अगर हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो हमारे पास होने के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगे। कॉमन पिटफॉल्स क्या हो सकते हैं, नंबर वन, स्टूडेंट फेलियर टू मेक द स्टेप अप टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम। यानी कि आपका जो F2 से F5 की जर्नी है ना, वो प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि F2 के अंदर स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक करता हुआ आ रहा होता है, वहां पर उसकी एनालिटिकल स्किल्स नहीं होती। जब वो एकदम F5 के अंदर आता है, PM में आता है, तो यहाँ पर उसको चीजों को अप्लाई करना होता है सिनेरियोस के ऊपर। F2 में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो जब वो यहाँ पर आता है तो वो जो कन्वर्जन है ना, सीखना है जो उसको F2 के पेपर से, जो जंप आ रहा है PM के अंदर, वो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो एक लैकिंग होती है। वो उसको भी F2 का एग्जाम समझ रहा होता है, जैसे F2 का लेवल था इसी तरह से F5 का लेवल है। हालांकि F5 इज टेक्निकली आपका जो F5 टू F9 का एग्जाम है, इन सब में जो सबसे टेक्निकल पेपर है वो F5 का पेपर। पुअर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, आपके सामने नंबर्स आ गए, अब आपको नंबर्स को एनालाइज करना है। रेशियोज दी हुई हैं, स्टूडेंट्स के पास इतनी स्किल्स भी नहीं होती है कि वो रेशियोज के ऊपर कॉमेंट्री लिख सके, ये बता सके कि अगर एक रेशियो इंक्रीज हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजन है, डिक्रीज हो रही है तो क्या रीजन है, उसके पीछे काम करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पुअर टेक्निकल नॉलेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक टॉपिक है टाइम सीरीज एनालिसिस, वेरी टेक्निकल। एक है ट्रांसफर प्राइसिंग, अगेन वेरी टेक्निकल। लीनियर प्रोग्रामिंग, वेरी टेक्निकल। तो जब आप इस तरह के टेक्निकल एरियाज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो देन यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली नॉट इनफ प्रैक्टिस ऑफ द न्यू क्वेश्चन टाइप, जो आपके पास्ट स्पेसिमेन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन मौजूद हैं, कि आपका नया एग्जाम फॉर्मेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर बेस्ड स्टाइल में आपको काम करना।
तो इन चीजों पे काम किया जाएगा, ये सारी बातों को जहन में रखा जाएगा, ये तो अल्टीमेटली आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। इसी तरीके से आप अगर एक फील लेना चाहते हैं पेपर की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में कौन कौन से सवाल आते हैं, कितनी तरह के सवाल आ सकते हैं, सही है, ये सारी चीज भी यहाँ पर इन आर्टिकल से हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे। बुक मेरी प्रेफरेंस जो बुक की होती है दैट इज क्या आप आसान किताब पढ़ें, आप कैपलान का स्टडी टेक्स्ट फॉलो करें अलॉन्ग विद टेक्निकल आर्टिकल्स। टेक्निकल आर्टिकल के साथ आप कैपलान का स्टडी टेक्स्ट फॉलो करें, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस के लिए आपको कैपलान की रिवीजन किट ही इस्तेमाल करनी है अलॉन्ग विद जो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करेंगे वो। अब ये पूरा एक बंच दिया हुआ एग्जाम रिसोर्सेज का, इंट्रोडक्शन टू पीएम, प्लानिंग योर स्टडी, ये भी सारी चीजें पढ़ने की होती हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट जो है टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेता है और उसको पढ़ता नहीं। जैसे ये सिलेबस डॉक्यूमेंट है आपका, अगर इस सिलेबस डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाए, लेट मी चेक, मेरे पास डाउनलोडेड फॉर्म में है, तो आपका जो सितंबर से रिलेटेड आगे जून तक का जो सिलेबस है ये यहाँ पर मेंशन किया, कि डिटेल स्टडी गाइड है यहाँ पर, कुछ चीजें मैंने यहीं से एक्सट्रैक्ट की हुई हैं स्लाइड के अंदर मेनली। तो अगर आप और फर्दर डिटेल में जाके देखना चाहें कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, तो आपको एक्सप्लोर करवाता है कि जी सेक्शन ए में आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, सेक्शन बी में आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, सी में, डी में, ई में, और उसके बाद आगे इन सब की डिटेल स्टडी गाइड होती है जो कि आपको क्रॉस चेक करनी होती है एग्जाम में जाने से पहले कि आपने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। कैपलान का स्टडी टेक्स हो या बीपीपी का स्टडी टेक्स हो, ये सारे एरियाज वो इसमें कवर करते हैं, तो अब ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक क्विक आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन है, क्या चीज़ पूछी जाएगी, और अगर एग्जाम सिलेबस में कोई चेंज आया है तो वो भी आखिर में अंदर उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज चेंज होती हैं उसको मेंशन कर दिया, तो कोई ख़ास जो ना चेंज नहीं है, नथिंग, जो इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जो ये डॉक्यूमेंट में बेसिकली इस डॉक्यूमेंट की बात कर, ये सिलेबस डॉक्यूमेंट। तो जो भी रेलेवेंट रिसोर्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जो रेलेवेंट रिसोर्स आपको पढ़ने को दिया जाएगा वही रेलेवेंट रिसोर्स आपको पढ़ना है, ताकि आप अपनी स्टडी के साथ साथ जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं वो भी साथ साथ पढ़ें। अब अगर एक नज़र आप पास रेट पे डालें, तो एसीसी की वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रीवियस पास रेट्स दिए थे, जून 2021 में 41% रिजल्ट आया था, नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 37 हो गया वर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद 43 थोड़ा सा बेहतर हो गया, उसके बाद 40 पे चला गया, उसके बाद सब्सिक्वेंटली 41% के ऊपर रिजल्ट आ गया। तो एवरेज निकाला जाए तो एवरेज अराउंड 40% ही बनता है तकरीबन, मोर और लेस 40% भी कोई बुरा रिजल्ट नहीं है, लेकिन बाकी जो आपके वो हैं एग्जाम हैं लाइक F7 F9 वगैरह, उनके रिजल्ट 47 48 इस तरह तक भी पहुंच जाता है। अब आप अपने पोर्टल से पास पेपर एक्सेस कर सकते हैं सीबी फॉर्मेट के ऊपर, यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी पास्ट एग्जाम, आप यहाँ से उठा के डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल क्या सवाल आते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जितने ज़्यादा हम पास्ट पेपर को इवैल्यूएट करेंगे, जितना हम पास्ट पेपर को स्टडी करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमें ज़्यादा आइडिया होगा कि किस तरीके से काम होता है पेपर के। इसी तरीके से प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आप लॉग इन हो जाएं, स्पेसिमेन एग्जाम आपको एक्सेस करना है, प्रैक्टिस एग्जाम आपको एक्सेस करना है, तो आपको अपने सिमा एसीसी आईडी से यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा, यहाँ जाकर आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा कि वहाँ पर पास एग्जाम्स क्या अवेलेबल हैं। इसी तरह से आप
सीबी ब्लैंक वर्क स्पेस हासिल करना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम रिलेटेड जो आपको एक्सेल और वर्ड वगैरह दिए जाते हैं, आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो वो भी आप यहाँ से एक्सेस करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो भी आपको अपना आईडी लॉगिन करना होगा, वहाँ पर आपको ब्लैंक शीट्स मिल जाएंगी, वहाँ आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे रिसोर्सेज जो है ना स्टूडेंट्स के लिए दिए हुए होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि सारे रिसोर्सेज आपको ग्रेजुअली इस्तेमाल करने चाहिए। एग्जाम टेक्निक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई आर्टिकल पढ़ा हुआ है तो वो आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियसली दिखाया। टिप्स हमने स्टडी की, रीड द माइंड ऑफ द पीएम मेकर, ये पढ़ना ज़रूरी है कि एग्जामिनर क्या चाहता है। अच्छा, इसी तरीके से वन पेज आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है ACC की तरफ से ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर, वो भी काफ़ी अफेक्टिव होता है। इफ़ यू कैन सी, ये देखें, ये आपको वन पेजर जो एक गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है कि पीएम है क्या, ओवरव्यू, स्टेप टू सक्सेस, हाउ टू टैकल एग्जाम, सेक्शन बी के लिए कुछ टिप्स दी हुई हैं, सेक्शन सी के लिए कुछ टिप्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी 20 मार्क का एक सवाल होता है, तो बी स्ट्रिक्ट इन एलोकेटिंग 36 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन। गुड एडवाइस। स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर बहुत अननेसेसरीली ज्यादा टाइम लगा देते हैं, एज ए रिजल्ट क्या होता है, एक सवाल पूरा छोड़ देते हैं, पार्शली कंप्लीट करते हैं। तो याद रहे, हर नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मतलब होता है उसमें कुछ ईजी मार्क्स होते हैं। तो आपने 36 मिनट एलोकेट किए CRQ के लिए, 36 मिनट के बाद आपको सवाल डिसकंटिन्यू करना है और एक नया सवाल स्टार्ट करना है। ऑलवेज रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। सिनेरियो पढ़ने के लिए पहले आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए, फिर आपको सिनेरियो पढ़ना चाहिए ताकि आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिनेरियो पढ़ें। आपको जितनी वर्किंग शो करनी है वर्किंग शो करें, कैलकुलेट करके सिर्फ ना लिखते हैं आंसर। अगर आपको एक्सेल पे फॉर्मूला लगाना है तो उसकी प्रॉपर वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हेडिंग्स प्रॉपरली इस्तेमाल हों, क्लियर पैराग्राफ्स हों, कंसाइज सेंटेंसेस हों, ये ना हो कि पूरा आंसर थ्योरी का एक ही पैराग्राफ के अंदर लिख दिया। कोशिश करें हर पार्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए, कोई भी पार्ट क्वेश्चन छोड़ा ना जाए। इसी तरह की रिसोर्सेज के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो यहाँ पे दी हुई है। ये सारी बात हम कर चुके हैं, स्टडी द एंटायर सिलेबस, फोकस ऑन थ्योरी एज वेल एज कैलकुलेशन, प्रैक्टिस पास्ट एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी है, कम से कम दो फुल एग्जाम आपको ट्राई करने एग्जाम से पहले, ताकि आपको आइडिया हो के 3 आवर्स के अंदर आपकी अपनी परफॉर्मेंस अल्टीमेटली, जिसको मॉक एग्जाम कहते हैं और ACC आजकल खुद देता है वो मॉक एग्जाम। उनकी वेबसाइट पे 3 प्रैक्टिस मॉक अवेलेबल होते हैं, अगर उनमें से 2 या 3 प्रॉपर तरीके से कर लिए जाएं तो आपको एग्जाम से पहले एक फील पता लगती है कि हमारे एग्जाम में जो रियल आने वाला है हाउ इट लुक लाइक्स। और अगर आप उसको टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट में जो हर्डल्स आते हैं वो एग्जाम में जाने से पहले क्लियर हो जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपने ट्यूटर से बात करें हाउ टू मैनेज। उसमें आप ये एनालाइज करें कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, क्या हमने स्टार्ट गलत लिया था, क्या मुझे सेक्शन सी पे जाना चाहिए था, बी पे जाना चाहिए था, तो बी में जाना था तो कौन सा सवाल पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था। ये सारी टेक्निक्स अगर आपने ऑलरेडी काम किया हुआ होगा तो ये सब मिल जुला कर आपको ईजिली 50 मार्क्स लेने में हेल्प करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड पेपर आएगा कोई भी पास नहीं होता, 40% इज अ गुड रेट, और हो सकता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इट इंक्रीजेस टू 45%, इट माइट गो डाउन बाय लाइक 37 or 38%, यू नेवर नो। तो आपको अपनी तरफ से फुल एफर्ट करनी है, फुल सिलेबस अलॉन्ग विद टेक्निकल आर्टिकल्स, अलॉन्ग विद ऑल पास पेपर्स, थ्योरी, कैलकुलेशन, ताकि किसी भी किस्म की कोई लैकिंग हमारे पास एग्जाम में ना रहे।